हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की जय। फैन फॉलोइंग जितनी व्यूअरशिप मेरी है इतनी जेएनके में बहुत कम जर्नलिस्ट होंगे, उसके बाद भी एक 500 की शर्ट पहन के बंदा घूमता है। दिखावा, हम भी ऐसे घूमते रखने को तो आईफोन रखा आपने। नहीं, मेरी बात सुनो, आईफोन रखा आपको किसी बड़े ना उस बंदे ने दिए जो मुस्लिम कार्ड खेलता है। हाँ। ये उसके सवाल है, अब मैं उसके जवाब देना चाहूंगा। हाँ, सुन रहा होगा। हाँ, आपको भी करंट लगेगा। कुछ लोग जो है ना वो सुधीर चौधरी के टाइप में बनना चाहते हैं, मे भी हो सकता है उनके सवाल हो। इनको लगता है कि जम्मू के सुधीर चौधरी कोई है जिन्होंने हमें ये सवाल लिख कर दिया, हम इनसे पूछ रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, मैं आपको 100% के साथ दिल से बोल सकता हूं, कोई लड़का या कोई भी अगर जम्मू से बढ़कर आगे जाता है तो आप कहते हैं कि ये सिर्फ जम्मू का नहीं कश्मीर का, जम्मू का नहीं कश्मीर का भी है। लेकिन जब कोई कश्मीर का जाता है तो आप सिर्फ कहते हैं कश्मीर का है, वहां पर जम्मू का नाम नहीं आता। जम्मू का बेटा नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर का बेटा, तो उसमें क्या गलत बात है? इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर का आपको इंटरव्यू करते हैं तो उसमें जम्मू कश्मीर क्यों नहीं बोलते? उसमें बढ़ चढ़कर रिपीट करके बार बार बोलते हैं कि ये कश्मीर से है, उस टाइम पे आप जम्मू का नाम नहीं बोलते। ऑडियंस से नाराज है कि जिस तरह से आप अभी भी चिल्ला के बात कर रहे थे, और आप अपनी जितने भी इंटरव्यूज या वीडियो में हमेशा चिल्ला चिल्ला के इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको व्यूज चाहिए होते हैं। व्यूज मुझे ऐसे भी बहुत मिल जाते हैं, मैं धीरे बोलूंगा तो भी काफी ज्यादा व्यूज है। गुरूर है कि क्या है? मैं चिल्ला के अगर बात करता हूं तो अर्णव गोस्वामी के स्टूडियो में चिल्ला के बात करता हूं। यही सारे एंकर यही तो आपके ऊपर इल्जाम है, आप अर्णव गोस्वामी को कॉपी करने की कोशिश करते हो। हां, आपने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। और वो कहने लगे जी बोल रहा तालिबान को, तालिबान जी, तालिबान जी। मैंने भी देखी थी, आपने तालिबान जी बोला था। जितनी मजबूती से सवाल आप बीजेपी से या रविंद्र रैना से पूछते उतने किसी और से नहीं पूछते, बाकी उनके सामने आप भीगी बिल्ली बनता। मैं वो कश्मीरी हूँ जो ये कहने पे हमेशा बढ़ चढ़ के कहूंगा कि आई प्राउड टू बी इंडियन। आमिर सोहेल बहुत जल्द शादी करने वाले हैं और बारात जो इनकी अखनूर जाएगी। ऐसी अफवाह जो आपने सुनी है, जहां से भी सुनी है, जिससे भी सुनी है, ये अफवाह, ये अफवाह, ये अफवाह। कचहरी पावर्ड बाय केस फर्नीचर हाउस के आज के इस एपिसोड में इल्जाम तो मैं लगाऊंगा, लेकिन ऑडियंस यू हैव टू डिसाइड। यस, यू हैव टू डिसाइड। हाँ, कुछ ऐसा ही अंदाज है उनका बोलने का। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ है जर्नलिस्ट आमिर सोहेल, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो आज कटघरे के अंदर आप बैठे हुए हैं, तो कैसा कोई डर वर लग रहा है? थोड़ा बहुत लग रहा है। लग रहा है? डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि आपसे कुछ इल्जाम पूछे जाएंगे, अफवाहें भी बताई जाएंगी, और आपने बताना है कि इल्जाम सही है गलत है, और उनके जवाब जो है जो जनता ने लगाए आप पर तैयार हूँ देने के लिए तैयार है। शुरू किया जाए, क्या बात है। तो चलिए इल्जामात का सिलसिला शुरू करते हैं, और पहला इल्जाम आपके ऊपर यह है कि आमिर सोहेल जर्नलिस्ट कम और प्रोपेगेंडिस्ट ज्यादा है, आप प्रोपेगेंडा चलाते हैं। जिसने इल्जाम लगाया है उससे ये भी पूछ लेना था प्रोपेगेंडा किस बात का, किस बात का प्रोपेगेंडा चलाते हैं आपके ऊपर बड़े सारे ऐसे इल्जाम लगते रहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आप जितने भी इंटरव्यूज करते हैं, अगर कोई बाय चांस कोई लड़का या कोई भी अगर जम्मू से बढ़कर आगे जाता है तो आप कहते हैं कि ये सिर्फ जम्मू का नहीं कश्मीर का, जम्मू का नहीं कश्मीर का भी है। लेकिन जब कोई कश्मीर का जाता है तो आप सिर्फ कहते हैं कश्मीर का है, वहां पर जम्मू का नाम नहीं आता। देखिए, जम्मू कश्मीर एक है, बिल्कुल है, जम्मू कश्मीर एक था। हाँ। और जम्मू कश्मीर एक रहेगा। हाँ। मरते दम तक। हाँ। और इस चीज के लिए पहली सफ में मैं खड़ा हूँ, कभी जम्मू को कश्मीर से अलग नहीं होने देंगे। जो भी ये कहता ना कि जम्मू को अलग करो और कश्मीर को अलग करो, और जम्मू अलग होना चाहिए कश्मीर से, क्यों होना चाहिए जी? ये महाराजा हरि सिंह जी की इतनी खूबसूरत रियासत है, हम क्यों उसको डिवाइड करें, हम क्यों उसको तकसीम करें दो हिस्सों में? मेरी बात सुने, मैं आपके सवाल पे आऊंगा। हाँ, पहले तो ये चीज क्लियर है कि जम्मू कश्मीर एक है। हाँ। और हम इसको कभी डिवाइड नहीं होने देंगे, फर्स्ट वन थिंग। आज प्रोपोगंडा इस चीज का चल रहा है कि कश्मीर वाले के दिल में नफरत फैलाई जा रही है जम्मू वाले के लिए, जम्मू वाले के दिल में नफरत फैलाई जा रही है कश्मीर वाले के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म, डोगरा डोगरा, कश्मीरी कश्मीरी, पंडित पंडित, इन चीजों के ऊपर। मैंने अगर ये बात कह दी तो उसमें क्या तकलीफ है कि उमरान मलिक के ऊपर, अब वही बात कर रहे हैं, मैं सीधा जाऊंगा। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, उमरान मलिक की आप बात करेंगे, मैंने काउंटर वर्जन दिया उमरान मलिक की, जम्मू का बेटा नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर का बेटा है, तो उसमें क्या गलत बात है? इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर का आपको इंटरव्यू करते हैं तो उसमें जम्मू कश्मीर क्यों नहीं बोलते? उसमें बढ़ चढ़कर रिपीट करके बार बार बोलते हैं कि ये कश्मीर से है, उस टाइम पे आप जम्मू का नाम नहीं बोलते, ऑडियंस से नाराज है। एग्जैक्टली, मैं आपको बताना चाहूंगा आप किस बात की बात करें, आप कह रहे होंगे तो जम्मू इस्लाम की बात, वो जो बच्ची जिसका मैंने इंटरव्यू किया और उसके बाद ट्रोल हुआ कि मैंने कहा प्राउड ऑन कश्मीरी, प्राउड टू बी कश्मीर, वही बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं आपके सारे बातों का जवाब दूंगा धीरे धीरे। आपने आप उसकी बात कर रहे हैं, आपने डायरेक्टली निकाला, लेकिन मैं डायरेक्टली बोलिए बोलिए बिल्कुल।
प्राउड टू बी कश्मीर, मैंने कहा तिजमर इस्लाम के लिए, क्यों कहा, क्या रीजन था? फर्स्ट वन थिंग इज कि कश्मीर के अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन कश्मीर का टैलेंट कभी सामने नहीं आया आज तक, तो जम्मू का भी नहीं। सुनिए सुनिए ना, मैं आपके बात बताना चाहूंगा। दूसरी बात ये कि कश्मीर में हमेशा आपने देखा है हालात खराब रहे हैं, इंटरनेट बंद रहा है, शट डाउन रहा है, क्लैशेस रहे, उसके बाद भी कश्मीर के बच्चे ने जो है वो हमेशा बढ़ चढ़ कर हर चीज में हिस्सा लिया है और हमेशा अपने देश का नाम बुलंद किया है, अपने हिंदुस्तान का तिरंगा हाथ में लेके पूरे देश का नाम रोशन किया है। अगर मैंने कश्मीर की एक छोटी सी मासूम सी बच्ची के लिए बोल दिया प्राउड टू बी कश्मीर, तो उसमें क्या फर्क है भाई साहब, उसमें उसमें क्या क्या कसूर है कश्मीर को, उसमें क्या बढ़ाने चलाने वाली बात है? लेकिन ये आपकी उसी बात को काउंटर करता है जहां पे आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक है, जब जम्मू पे करते तो आप कहते हैं जम्मू का नहीं कश्मीर का है, ऑडियंस उसी चीज से ना। मैंने उसमें ये भी कहा, मैंने मैंने तीन शॉट बोले, प्राउड टू बी कश्मीर, प्राउड टू बी कश्मीर, प्राउड टू बी जम्मू कश्मीर, प्राउड टू बी कश्मीर, प्राउड टू बी कश्मीर चला दिया, लेकिन लास्ट वन नहीं चलाया। अब मेरा आप इसमें से एडिटिंग करके आधा हिस्सा काट के फ्रंट पे लगा दोगे जिससे आपको अच्छा स्कोर नंबर आएगा, और जो मेरी मायने रखने वाली बात है वो नहीं चलाओगे तो उसमें मेरा क्या कसूर है? तो आपके कहने का मतलब है कि कटिंग करके आपकी वीडियो चलाई जा रही है आपके खिलाफ? एग्जैक्टली चलाई, अभी तालिबान वाला चला था एक, तालिबान जी करके, तो जनाब मैं हैरान हूँ तालिबान जी कहा किसने? उर्दू का वर्ड है जंगजू, जंगजू जंगजू उर्दू वर्ड है, दहशतगर्द के साथ मिलाने वाला वर्ड है, मैंने तालिबान को जंगजू करके वर्ड यूज किया और वो कहने लगे जी बोल रहा है तालिबान को, तालिबान जी, तालिबान जी, तालिबान जी, मैंने भी देखी थी जी, वो देखे ना वो काट दिया, अच्छा वो काट दिया, वो काट के जी चला रहे, वीडियो चला रहे हैं, जी करके चला रहे हैं। अब इसमें से एक ऐसे तालिबान जी नहीं है, नहीं है बिल्कुल नहीं चलाया, कौन कहता है जनाब दहशतगर्द को कोई जी बोल सकता है? बिल्कुल, मैं तो इसी देश का रहने वाला हूँ, मैं वो कश्मीरी हूँ जो ये कहने पे हमेशा बढ़ चढ़ के कहूंगा कि आई प्राउड टू बी इंडियन, मुझे अपने देश पे फखर है, मैं वो नहीं हूँ कि मैं जिस देश का खाऊंगा उसी देश की थाली में छेद करूंगा। बस मेरा इल्जाम जो है वो उन प्रोपोगंडा जर्नलिस्ट पे है, उन पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट पे जो नौजवानों की बात से ज्यादा जो है वो पार्टियों के लिए। जैसे आपने आपने अभी डोगरों की बात की, डोगरा डोगरा, तो अभी बहुत ज्यादा डिमांड भी चल रही है महाराज, मैंने इशू कवर किया है, मैंने छुट्टी के लिए मैं गया हूँ, मैंने इशू कवर किया है, मैंने इंटरव्यू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इंटरव्यू का अच्छा रिस्पॉन्स आया है, इवन मैं वहां पे एक डेढ़ घंटा खड़ा भी रहा, मैंने एक अपने एक दो एपिसोड में उनको कवर किया है, अब ज्यादा नहीं कर पाया क्योंकि हर चीज को हम ज्यादा नहीं कवर कर सकते हैं, आपको खुद पता है। हाँ, लेकिन एक से दो बारी मैंने उनको कवर किया है मेरे डेली तस्कीन पे, अगर आप कहेंगे तो मैं दिखाऊंगा। नहीं नहीं बिल्कुल 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 आपने किया है, तो आप एज अ पर्सन आपका क्या मानना है कि हॉलिडे होना चाहिए? जनाब क्यों नहीं होना चाहिए, मेरी एक बात सुने, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर यहाँ के जम्मू के लोग इस चीज की डिमांड करें, जम्मू प्रिविजन के लोग, यहाँ पे अगर आप रेशियो निकालोगे तो मैक्सिमम रेशियो जो है वो डोगरा भाइयों का है, हिंदू बरादरी का है, उससे कम जो होगी वो हमारी मुस्लिम बरादरी होगी और उससे कम फिर मुख्तलिफ बरादरी होगी। अगर जम्मू के लोग यहाँ के लोग यहाँ के महाराजा जी के लिए छुट्टी की डिमांड कर रहे हैं तो उसको उसका ऑर्डर देने वाली ना मैं हूँ ना आप है ना बीजेपी है, उसका ऑर्डर सुनिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है, ना मैंने देना ना आपने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर लगता है कि हमें देना चाहिए तो वो दे, हम उनके साथ हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि हमें नहीं देना है तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई आप क्यों नहीं देना चाहते हैं, आप तब नहीं कहोगे हम ये थोड़ी पूछेंगे आप क्यों नहीं देना चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैंने हमेशा बात की है, मैंने उठाया है, मैंने कहा है हमेशा ओपन फ्रंट में आके कहा है कि महाराजा हरीश, मैं तो हमेशा कर, मुझे दुख और अफसोस है इस बात का कि आप बात कर रहे हैं महाराजा जी की छुट्टी की, मुझे दुख किस चीज का, मुझे अफसोस किस चीज का, 370 क्या था, ये मेरा आपका हकूक था, ये हमारी जमीनों की हिफाजत का था, 370 टूटा उससे नाराज है, नाराज नहीं हूं, मेरी आइडेंटिटी छीनी है, मेरी आइडेंटिटी छीनी है भाई, मेरे जम्मू कश्मीर में मेरा और आपका हक था, आप जम्मू के रहने वाले हैं, भद्रवाह के रहने वाले हैं, हमारी जमीनों की अगर हमें एक हिफाजत व तहफुज दी हुई थी कि हमारी जमीनें हमारे पास रहनी चाहिए, हमारी नौकरियां हमारे पास रहनी चाहिए, तो क्या बुरा है इसमें, क्या बुराई है, कल को हमारे हम तो चले जाएंगे हमारे मुस्तकबिल के लिए, आज बीजेपी के लीडरों ने चले जाना है, एनसी वाले पीडीपी कांग्रेस ने चले जाना है, इनका बेड़ा हमारे सर पे और हमारा बेड़ा आगे हमारी नस्लों के सर पे, तो महाराजा जी ने इस स्टेट को एक प्रिंसली स्टेट बना के रखा था, ये एक इतनी खूबसूरत रियासत थी, इस रियासत के बराबर रियासत ही कोई नहीं थी, उसको तोड़कर आपने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, कश्मीर अलग है जम्मू अलग, आज तरक्की पे बात नहीं होती है, आज देश में तरक्की पे बात नहीं होती है, आज एजेंडा कहां चेंज हो चुका है मोदी जी का, आज बात होनी चाहिए डेवलपमेंट पे, उस पर बात नहीं हो रही है, आज हिंदू मुसलमान पे बात हो रही है, क्यों रविश कुमार कहता है कि हर बारी हर एक अपने स्पीच में कि जनाब बात करो ना डेवलपमेंट पे, आप बोलो कि हमारी जीडीपी कहां से कम गिर गई, डेवलपमेंट की अगर बात नहीं होती तो आप जर्नलिस्ट हैं, आपका ही फर्ज बनता है वो बात मैं करता हूं, ठीक है आप करते हैं
होंगे, करते होंगे, ठीक है ठीक है। अगला इल्जाम लगाते हैं आपके ऊपर, और अगला इल्जाम आपके ऊपर ये है कि जिस तरह से आप अभी भी चिल्ला के बात कर रहे थे और आप अपनी जितने भी इंटरव्यूज या वीडियोस में हमेशा चिल्ला चिल्ला के अग्रेसिवली इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको व्यूज चाहिए होते हैं। व्यूज मुझे ऐसे भी बहुत मिल जाते हैं, मैं धीरे बोलूंगा तो भी काफी ज्यादा व्यूज है। गुरूर है क्या? नहीं, गुरूर नहीं है, व्यूज मुझे मिल जाते हैं। देखो भाई, गुरूर की बात नहीं है, आपको मालूम है जिंदगी की शुरुआत आपके साथ हुई थी 2017 का, वो वक्त आपको भी याद होता था जब आप भी एक न्यूज चैनल में आए थे, मैं भी एक न्यूज चैनल में आए थे, पहली बार मुलाकात जम्मू के प्रेस क्लब में हुई थी और शायद की हमारी उस मुलाकात के बाद एक सफर भी शुरू हुआ था। थोड़े से ना समझते और आप फिर मुंबई चले गए अपने सफर के लिए और हमने यहीं पे स्ट्रगल किया, तो तब से मुझे व्यूज का शौक नहीं था, वो देखने वाला पसंद कर रहा है। अब मेरी गलती नहीं कि कोई मुझे क्यों देख रहा है, लेकिन मैं सच कहता हूं इसलिए देख रहा हूं। मैं पूछना चाहूंगा, ये जिस ये बंदा जिस हिसाब से चिल्लाता है ना, एक बार चिल्लाना कैसे बोलते हो? और ये था कैसे, सुनिए सुनिए मैं बताता हूं, हर इंसान का एक अपना बात करने का, बिल्कुल मैं मानता हूं, एग्री एग्री। मैं चिल्ला के अगर बात करता हूं तो अर्णव गोस्वामी भी स्टूडियो में चिल्ला के बात करते हैं, कई सारे एंकर यही तो आपके ऊपर इल्जाम है, पर अर्णव गोस्वामी को कॉपी करने की कोशिश करते हो। हां, आपने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। सुनिए, मैंने पूछा, कर रहा हूं ना यार, कर रहा हूं ना, कर रहा हूं, कर रहे हो कॉपी, सुनिए ना, ओके, गलत कर रहा हूं। हां, अगर मैं एक अच्छे लिखे पढ़े हुए इंसान को कॉपी करता हूँ, अगर मैं आपको कॉपी कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ? अल्लाह ताला ने आपको अकल भी दिया, शक्ल भी दी है, अच्छा पैंट को डाला हुआ है, बहुत बढ़िया, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आप कॉपी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये याद रखिए हर इंसान को एक दूसरे से सीखना है। मैं अर्णव गोस्वामी को पसंद करता हूँ, मैं उसका प्रोपेगंडा को पसंद नहीं करता हूँ, उसका अपोजिशन जो है प्रोपेगंडा चलाता है, आप नहीं चलाते, मैं नहीं चलाता हूँ, मैं उसको पसंद इसलिए करता हूँ कि वो काबिल तरीन इंसान है। देखो उसने सफर कहाँ से शुरू किया और आज कितना बड़ा चैनल खड़ा किया, तो मैं उसको इसलिए पसंद करता हूँ। हाँ, मेरा आइडियल रविश कुमार है, जिसकी तरह मैं बनना चाहता हूँ, जिसकी तरह मेरा एजेंडा है, और वो एजेंडा मेरा रविश कुमार का है। अब उसके लिए इतना वक्त चाहिए, इतना स्टैमिना चाहिए, इतना स्पोर्ट चाहिए, जो मेरे पास बचा। कोई बात नहीं, नहीं है, ठीक है ठीक है। अगले इल्जाम की तरफ बढ़ते हैं, अगला इल्जाम बहुत ही दिलचस्प है आमिर सोहेल आपके ऊपर। अगला इल्जाम ये है कि आपको बीजेपी के लीडर्स और खास तौर पर रविंदर रैना से ज्यादा ही प्यार है, इसलिए जितनी मजबूती से सवाल आप बीजेपी से या रविंदर रैना से पूछते उतने किसी और से नहीं पूछते, बाकियों के सामने आप भीगी बिल्ली बन जाते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड। अब मैं जवाब दूंगा, सुनना पड़ेगा, बराबर सुने, पक्का सुनिए। रविंदर रैना से सवाल पूछता हूँ, क्यों पूछता हूँ? धड़ल्ले से इक्तदार में है, मरकज में उनकी सरकार है, जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, मनोज सिन्हा साहब जो है वो उनके भेजे हुए हैं मोदी जी के, और वो यहाँ पर एक प्रेसिडेंट की पावर रखते हैं, प्रेसिडेंट की पावर इज इक्वलेंट टू चीफ मिनिस्टर, इतनी ताकत आज के टाइम में रविंदर रैना रखता है। हम लोगों को ये मालूम नहीं है क्योंकि वो बीजेपी का बंदा है, वो संघ का बंदा है, और पूरे देश में बीजेपी और संघ है, इस चीज का हमें इल्म होना चाहिए। मैं उससे सवाल नहीं पूछूंगा तो मैं क्या गुलाम अहमद मीर से जाके पूछूंगा कांग्रेस वाले से कि भैया मुझे मेरे सवाल का जवाब दो? गुलाम अहमद मीर मुझे क्या जवाब देगा जनाब? मुझे अल्ताफ बुखारी का जवाब देगा? वो तो पावर में नहीं है। जो लोग पावर में, मैंने उनसे सवाल पूछा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मैंने सवाल पूछे, उन्होंने कहा मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहूंगा, एक बारी मैंने इंटरव्यू लिया, दूसरी बारी मना कर दिया उन्होंने अपनी कोठी में, मैडम महबूबा मुफ्ती से सवाल पूछा, माइक पे हाथ मार के नीचे कर दिया। तो आमिर सुहेल अगर बीगी बिल्ली होता तो महबूबा मुफ्ती जी से पूछता कि 24 जून को कुल जमाती मीटिंग हुई थी, उसमें महबूबा जी आप भी हिस्सा थे, आपने तो पहले कहा था मीटिंग से कि मैं नहीं जाऊंगी, अब आप क्यों गए? तो उन्होंने कहा दो सवाल का जवाब देना, तीसरा नहीं। हिना भट्ट जी से मैंने सवाल पूछे थे सेक्रेटरी में, शायद मेरा माइक उस वक्त में जो है वो बाहर प्रेस क्लब में फेंक दिया गया था, मुझे मालूम है मैंने कितनी चीजों को जो वो मैं फेस ऑफ करता हूँ। मैं सबसे पूछता हूँ, अपनी पार्टी से, एनसी से, कांग्रेस से, पीडीपी, इसी का तो फायदा है, नहीं तो है ना भाई? ये। तभी तो ये फटी हुई शर्ट पहन के आया हूँ, आपकी तरह ब्लैक कोट नहीं है ना। अगर मैंने किसी एक पार्टी को प्रोजेक्ट किया होता ना तो आमिर सुहेल बाइक पे नहीं आता, आमिर सुहेल एसयूवी कार में आता, स्कॉर्पियो में आता। जितनी फैन फॉलोइंग, जितनी व्यूअरशिप मेरी है, इतनी जेएंडके में बहुत कम जर्नलिस्ट हूँ, उसके बाद भी एक 500 की शर्ट पहन के बंदा घूमता है। दिखावा, हम भी ऐसे घूम रहे थे, रख लिया तो आईफोन रखा आपने? नहीं, मेरी बात सुनो, आईफोन रखा वो भी चैनल का दिया हुआ है, चैनल का, मेरा कुछ नहीं है, मैं फकीर इंसान हूँ, फिर तो मेरे पास कुछ नहीं है। फिर तो आप, मुझे लगता है अर्णव गोस्वामी से कम रविंदर रैना से ज्यादा इंस्पायर है, उनको फॉलो तो नहीं करते, वो भी फकीर इंसान, मेरे पास कुछ नहीं, मैं फकीर इंसान हूँ। अगले इल्जाम की तरफ बढ़ते हैं, और अगला इल्जाम भी कुछ जुड़ता पुड़ता है आपकी बातों के साथ जितनी अभी तक हुई है। अगला इल्जाम आपके ऊपर ये है कि जितनी वीडियोस आपकी वायरल होती हैं, आप सिर्फ एक धर्म विशेष की ज्यादातर बातें करते हो और उनको सपोर्ट करते हो। पहले बताओ यार, ये सवाल किसने लिख के भेजे? मुझे ये बताओ, किस बेवकूफ ने आपको सवाल दिए? ये आपके सवाल ही नहीं है, ये आप कॉमेडी करने वाले बंदे हो,
आप एक प्यारे से मासूम से नाजुक से अंदर हो, तो तारीफ कर लो कोई बात नहीं। आप ये आपको किसी बड़े ना उस बंदे ने दिए जो मुस्लिम कार्ड खेलता है, ये उसके सवाल है। अब मैं उसके जवाब देना चाहूंगा, वो सुन रहा होगा, मतलब उसे सुन लेगा। ठीक है ठीक है, सुनिए, मालूम है मैंने यहाँ पे ना हिंदू की बात की ना मैंने मुसलमान की बात की, मैंने सिर्फ आपको कहा कि एक धर्म विशेष। एग्जैक्टली, मैंने किसी की बात नहीं की थी। अभी जो मैं जवाब दूंगा ना आपको भी करंट लगेगा। कुछ लोग जो है ना वो सुधीर चौधरी के टाइप में बनना चाहते हैं, मे भी हो सकता है उनके सवाल हो। खैर आप मुझे पहले जो सवाल आपने किया था फिर बताएं, भूल गया। ये आप ज्यादातर सिर्फ एक धर्म विशेष की बातें करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। किस धर्म को? मैंने, आपने खुद ही बोल दिया मुस्लिम कार्ड, मैंने तो कोई एक बात तक नहीं की। हाँ, सुनिए, किस धर्म को? वो मुझे नहीं पता, आपके ऊपर इल्जाम है, आप बताइए ना, आप करते हैं एक धर्म विशेष की बात। मेरा सिंपल सा जवाब ये कि मैं किसी धर्म के खिलाफ कोई भी बात नहीं करता हूँ। मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, बस बात इतनी सी खत्म हो जाती, आपको कुछ और बोलने की जरूरत ही नहीं। पर मुझे समझ आ रही है ना कहाँ से आ रही है, मैं समझदार बंदा भाई, कौन है मुझे मालूम है। जम्मू में ये सुधीर चौधरी कौन है मुझे बताइएगा जरा, कौन है? अब वो मैं डिस्क्लोज थोड़ी करूंगा, वो मेरा दिल का राज है, ऑफ द कैमरा बता दूंगा। इनको लगता है कि जम्मू के सुधीर चौधरी कोई है जिन्होंने हमें ये सवाल लिख कर दिया, हम इनसे पूछ रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, मैं आपको 100% के साथ दिल से बोल मैं 120% के साथ कह सकता हूँ, लिख के भेजा हुआ है। आपकी जो स्माइल है ये आपको खुद बता रही है कि यार ये बंदा कितना तेज है, इसको कैसे पता चल जाती है हर बात। ये आमिर सोहेल, ये मैं इनको काफी समय से जानता हूँ, जैसे कि उन्होंने शुरू में कहा 2017, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये हो ही नहीं सकता। खैर, फिलहाल मैं गलत हो सकता। चलिए चलिए, जम्मू के सुधीर चौधरी को ना आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं, इल्जाम जो है वो खत्म हो चुके हैं, अब अफवाहों की तरफ बढ़ेंगे। अफवाहें जो है वो मार्केट में चलती रहती है बहुत ज्यादा, और कई बार वो बेसलेस भी होती है बहुत ज्यादा। मैं अफवाह पूछने से पहले ना, कोई कोई सच्ची अफवाह भी होती है। चलिए, मैं कोई भी अफवाह पूछने से पहले एक अफवाह आपसे सुनना चाहता हूँ कि आपने अपने बारे में आज तक एक अफवाह जो बड़ी सुनी है आपने, क्या कोई ऐसी सुनी है अफवाह मेरे बारे में? यार यही अफवाह सुनी है क्या जो आपने मुझे सुना दी अभी? क्या क्या? यही कि धर्म की बात करते हो, धर्म की बात करते हो। तो अभी इन्होंने अपने मुंह से खुद ही जवाब दे दिया कि अफवाह चलती है, और मेरे को बोल रहे हैं तूने सुधीर चौधरी से लिखा, किसी से लाया जम्मू का? ये मुझे मालूम है ना, मैं सच्चा बंदा हूँ, मुझे मालूम है नहीं कौन से लोग हैं जो लिखते हैं मेरे लिए, मुझे पता ना भाई, ओपन लिखते हैं। चलो चलो, ठीक है ठीक है, क्या बताऊँ, फिर सामने सामने लड़ाई हो जाती है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अफवाह थोड़े से ताल्लुकात भी तो रखने ना बना के। अफवाहों की तरफ बढ़ते हैं, और पहली अफवाह बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिलचस्प है, और पहली अफवाह ये है कि आमिर सोहेल बहुत जल्द शादी करने वाले हैं और बारात जो इनकी अखनूर जाएगी। ऐसी अफवाह जो आपने सुनी है, जहां से भी सुनी है, जिससे भी सुनी है, ये अफवाह सही है? अफवाह सही नहीं है? अफवाह यार, ऐसा कुछ नहीं भाई। अगर बाद में अखनूर गई तो ये साबित हो जाएगा कि आप झूठे हो। एक बात बोलूं? हाँ हाँ, बताओ बताओ बताओ, मजा आ रहा है, ऑफ द कैमरा बोलूंगा। देखिए, अफवाह है, ऐसा नहीं है, अफवाह चलती है यार। मुझे परसों एक दोस्त मिला ना, ऐसे बता रहा हूँ, मुझे कह रहा भाई मैंने सुना कि सुंदरबनी में तेरी बात चल रही। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार ना सुंदरबनी में मेरे नानके ना दाद के ना मैं कभी गया ना मेरे रिश्तेदार, तो मैं कहां से सुंदरबनी जाऊं? तू राजौरी की बात कर लेता, मैं कहता चलो राजौरी जा सकता हूं, पूंछ जा सकता हूं, श्रीनगर जा सकता हूं, जम्मू आ सकता हूं। तुम आपने एक ऐसा एरिया बताया जहां पे मेरा साथ पीढ़ियां भी जो है ना आई है तो ना गई। नहीं अभी तक कोई नहीं है। देखिए, रिश्ता वगैरह दूर की बात होती है, आजकल सोलमेट भी बहुत चलता है, सोलमेट भी कोई नहीं है। सोलमेट यार, मेरी एक बात बताऊं भाई, आपके कितने बने सोलमेट आज तक? मेरा नहीं है, मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे को मिल जाए बस कोई। यार फ्लर्ट बड़ा अच्छा कर लेते हैं, बाय गॉड जो फ्लर्ट आप करते हो ना, थैंक यू, मेरा दिल खुश हो जाता है देखकर, कसम से। मैं देखता हूँ बुकलोल के वीडियो स्पेशली, बड़े जबरदस्त, लेकिन वो अफवाह अफवाह है। और सोलमेट की आप अगर बात करते हो ना, तो वो सीने में बसता है। सीने में कौन बसता है ये बताने की जरूरत नहीं। क्या बात, जिसको है? जिसको लाखों फॉलो करते हैं वो एक को फॉलो करता है। अब वो जिस एक को फॉलो करता है वो एक एक ही है। प्यार का चक्कर बाबू भैया, जरूरी नहीं जहाँ पे शादी हो वहीं पे, मतलब जहाँ पे प्यार हो वहीं पे शादी हो। वो कहते हैं तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। क्या बात है, तो ये सारे इशारों में आमिर सोहेल ने बात जो है वो कह दी है। तो अगली अफवाह की तरफ बढ़ते हैं, और अगली अफवाह ये है कि आप जो आपको पीडीपी स्पॉन्सर कर रही है। यार कसम से, पीडीपी क्या स्पॉन्सर करेगी मुझे? पीडीपी का वजूद कितना है?
अब बोलना बहुत गलत है महबूबा जी, आई एम वेरी सॉरी मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इन्होंने सवाल किया तो मैं पूछ, आप एनसी का बोल देते तो मैं मानता, क्योंकि सुनिए सुनिए सवाल थे सवाल, तो आपको एनसी जो है वो स्पॉन्सर कर रही है, चेंज कर रही है, अब आप एनसी की बात करते ना तो मैं एक हद तक मानता, पूछिए क्यों, पहले पीडीपी का जवाब दे देता हूँ, पहले उसका जवाब दे, नहीं एनसी के में तब भी कुछ लीडर्स हैं, मतलब एनसी का एक परिवार मौजूद है, ऑफर नहीं करता है, जो मजबूत हैं, जैसे आप हैं, हिमांशु भाई हैं, आपके साथ पूरी आपकी टीम है, तो आप इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, एनसीपी की भी एक बहुत बड़ी टीम है जिनके पास पैसा हो सकता है, जो इस वक्त स्टैंड है, पीडीपी के में लीडर ही नहीं रहे हैं, पीडीपी में चार पांच लीडर, वो बड़े बेचारे, सुनिए वो बेचारे अपने अपने आप को चलाना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, वो मुझे क्या चलाएंगे या दूसरे को क्या चलाएंगे, बीजेपी पे एलिगेशन लगाते मैं मान जाता क्योंकि बीजेपी में काफी लीडर है, उनके पास पैसा वैसा हो सकता है, पीडीपी में तो बिल्कुल, आमिर ये ऑफर वगैरह आता है, मतलब मैं एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बेहतरीन चीज एक ही है, मैं ऑफर मुझे कौन करेगा, मेरा इतना बड़ा कद नहीं है कि मुझे कोई ऑफर करे, अभी आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में शायद जितना मुझे कोई देखता है उतना नहीं देखता, पर मुझ में तकब्बुर नहीं है, तकब्बुर नहीं है, मैंने वो तकब्बुर नहीं है, सुनिए मुझे कोई ऑफर करेगा अभी ना तो कितना ही कर सकता है भाई, और मैं कितना ही ले सकता हूँ, और वो मुझे कितना ही दे सकता है, तो मेरा एक सिंपल सी बात है कि मैं ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, ऑफर्स को रिजेक्ट कर देता हूँ, और दूसरी बात यह सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि मैं खुश हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने डेली के स्किन में खुश हूँ, मुझे वहां से जो सैलरी मिल जाती है ना वो मेरे लिए बहुत अच्छी है, मैं उसमें खुश हो जाता हूँ, मेरा परिवार मतलब मेरा अपना आप चल जाता है, मुझे मंथली जो एड्स वगैरह आ जाती है मैं उसमें खुश हूँ, तो ऑफर की क्या, चलो बढ़िया बढ़िया, अब अगली और आखिरी आज की अफवाह जो है वो पूछेंगे आपसे, और ये भी मिलती जुलती है, ये अफवाह शायद से आपने खुद ही अपने मुंह से बोल दी होगी, और मैं चाहता हूं कि इस अफवाह के साथ आप बोल के जो है आज का एपिसोड हम खत्म करेंगे, ये बहुत बार, क्योंकि जिस तरह की आपकी वीडियोस वायरल होती हैं, कश्मीर से होती हैं, कहीं से भी होती हैं, तो कई ग्रुप्स होंगे जिनसे ये अफवाह उठती है कि आमिर सोहेल के मुंह से कभी जय हिंद या हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते जो है वो नहीं सुना, क्यों नहीं बोलता, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, भारत माता की जय, सुनिए मेरी बात, क्यों भाई क्यों नहीं बोलूंगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने से आमिर सोहेल मुसलमान से हिंदू बन जाएगा, बिल्कुल नहीं, आमिर मुसलमान है तो है, ला इलाहा इल्लल्लाह पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, मैं ये भी बोल सकता हूँ स्टूडियो में बैठ कर कटघरे में, मैं ये भी बोलूंगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, मेरा एजेंडा धर्म नहीं है, मेरा एजेंडा डेवलपमेंट है, नौजवानों की नौकरियां, उनके हकूक, उनकी जमीनों की हिफाजत व तहफ्फुज़, मैं वैसा जर्नलिस्ट नहीं हूँ कि मैं इन सब, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, मैं गांधी जी का पैसे पे नोट पे उनका फोटो होता है, मुझे वो लेने में दिक्कत नहीं है, अगर अगर मैं वो ले सकता हूँ, अगर मैं वो पैसा कमा सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर आके खा पी सकता हूँ, तो मुझे अपने देश की तारीफ करने में, अब सुनिए, अब मोदी जी ने देश को पीछे कर दिया है, देश तरक्की नहीं कर रहा है, हम लोग तरक्की की ओर नहीं जा रहे, मैं वही बार बार कहता हूँ कि नौजवानों जाग जाओ और ये देखो कि हमसे क्या छीना है, हमें क्या, आपने सब कुछ बोल दिया अभी, अच्छे मतलब दिल से बोला जो भी है, आपको क्या लगता है फिर ये कौन लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, देखिए भैया मैं एक बात आपको बताऊं, ये सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे हर इंसान बैटिंग कर रहा है, मैं एक कॉर्नर में बैटिंग कर रहा हूँ, आप एक कॉर्नर में कर रहे हो, और हम सब लोग एक कॉर्नर में बैटिंग कर रहे हैं, और मुझे इस सोशल मीडिया पे किसी से कोई भी जो है वो दुश्मनी नहीं है, ना ही मुझे किसी को कुछ गिला शिकवा करना है, मुझे 1000 कमेंट आता है उसमें 100 कमेंट में गाली भी होगी, 900 कमेंट पॉजिटिव भी होगा, जिसने गलत बोलना है वो बोल सकता है, हर एक का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो, तो मैं किसी को कैसे रोक सकता हूँ जनाब, बाकी रही बात अपनी अपनी नीयत की, नीयत वाल मुराद हमारी, मैं अपनी बात करता हूँ, जिसकी जैसी नीयत है उसको वैसी मुराद मिलेगी, आप अच्छा काम कर रहे हो ऊपर वाला आपको कामयाब करेगा, आपके दिल में अच्छी नीयत होगी तो आपको ऊपर वाला मंजिल मुकाम तक लेके जाएगा, और अगर आपकी नीयत खराब है तो सिंपल सी बात है कि आप दिन ब दिन नीचे जाएंगे, ठीक है ठीक है, तो अफवाह जो है ये टोटल खारिज होती है, और आमिर सोहेल ने बहुत ही बखूबी से जवाब दिया, जाते में एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, ये भी अफवाह जो है मार्केट में बहुत ज्यादा चल रही है, और अफवाह ये है कि आमिर सोहेल को बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं नया चैनल स्टार्ट करने की, अपना चैनल स्टार्ट करने की, या फिर दूसरे चैनल में, मुझे ऑलरेडी भैया 2-3 नेशनल न्यूज चैनल के ऑफर, नेशनल न्यूज चैनल के ऑफर आए आमिर सोहेल को, तो जा क्यों नहीं रहे, सुनिए मुझे 2-3 न्यूज चैनल के, नेशनल न्यूज चैनल के ऑफर आ चुके हैं, जम्मू के एक न्यूज नेशनल न्यूज चैनल का ऑफर आया, बहुत बड़ा नेशनल, जम्मू का नेशनल, हाँ जम्मू का मतलब जम्मू का रहने वाला सैटेलाइट चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है, हमें जैसे पता नहीं है जम्मू में कितने सारे चैनल हैं जो कि नेशनल है, ये तो सुनिए ना है ना, 2-3 तो एक ही है ना, जम्मू का एक है बड़ा अच्छा चैनल है, मैं बोलूंगा नहीं क्या है क्या नहीं है, ठीक है नाम, ठीक है, यहाँ पे एक नहीं है यहाँ पे 2-3 है,
अब आपको पता टेक वन भी नेशनल ही में आता है, गुरुस्तान भी नेशनल में, जेके चैनल भी नेशनल में आ रहा है। खुद ही बोल दिया। नहीं मतलब मैं बता रहा हूँ जम्मू के चैनल से, जो बता रहा हूँ मैं नहीं बोल रहा हूँ इन्होंने मुझे ऑफर किए, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। एक न्यूज चैनल ने यहाँ से भी मुझे जम्मू कश्मीर के भी न्यूज चैनल ने ऑफर किया था और बहुत टाइम पहले किया था, तो मैंने वहाँ स्टार्टअप नहीं किया अपना काम, क्यों नहीं किया वो मेरी अपनी मर्जी थी। बाहर से भी नेशनल न्यूज चैनल से ऑफर आए, कभी काम नहीं। हाँ मेरे काफी ज्यादा अच्छे कुलीग्स हैं, दोस्त हैं, कुछ ऑफिसर्स भी हैं अच्छे खासे जो कहते हैं कि आप स्टार्ट कर सकते हो हम आपके साथ। मैं नहीं करना चाहता हूँ जनाब, डेली तस्कीन मेरा परिवार है, मेरा घर है, मैं यहाँ से, और मेरे बॉस मेरे लिए मेरे फादर साहब की जगह है, उन्होंने हमेशा अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा काम मेरा ईमान है, तो जिस चैनल ने मुझे इज्जत दिया, मुझे इतना बड़ा ऑफिस दिया, मुझे एक इतना अच्छा प्रोटोकॉल दिया, तो मैं उस चैनल को छोड़कर आज चला जाऊं, कल को मेरी भी वही हालत होगी जो जम्मू के बाकी जर्नलिस्टों की हुई है, कश्मीर के बाकी जर्नलिस्टों की, देश के बाकी जर्नलिस्टों की हालत हुई। तो जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे अच्छे से करो। आप और हिमांशु भाई दोनों मिलकर काम कर रहे हो, ऊपर वाला आपको खुश रखे, ऐसे ही मिलकर काम करना। आप इनको छोड़ जाओगे या आपको छोड़ जाएंगे, आप दोनों का वजूद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, इल्जाम भी पूछ लिए, अफवाहें भी पूछ ली, और बहुत ही अच्छी तरह से जो है आमिर सोहेल ने जवाब दिए, और मैं कहूंगा कि दिल से जवाब दिए, दिल से दिए, है ना भाई फादर, दिल से दिए, खुशी से आया था, खुशी से जा रहा हूँ, दिल से दिए जवाब और मजेदार तरीके। अब आपको लगता है कि कहीं जो आपके ऊपर इल्जाम वगैरह सोशल मीडिया पर लगते हैं शायद इसके बाद कम हो जाए? ज्यादा होंगे, कम कहाँ होने, ये और बढ़ जाएंगे, ये और बढ़ जाएंगे। क्या बोलेंगे आमिर सोहेल, इधर भी फेक कर रहा है, बोल रहे भाई फेक प्रोपोगंडा कर रहा है, अच्छा इसकी वो दूसरी सोच है, फलां फलां की तरह इसकी सोच है, ऐसी ऐसी सोच है, बोलने दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है। बोलते ना अपना अपना आप साफ है, अपना दिल और अपनी नियत साफ है, बस कोई टेंशन नहीं है, आपको चाहिए कुमार असर होने तक, कौन जीता है तेरे ज़ुल्फ़ के सर होने तक, हमने माना कि तगाफल ना करो कि खाक हो जाएंगे हम, हाँ, इसलिए परेशानी नहीं ले, हिम्मत मर्दे तो मर्दे तक। आमिर को जैसे मैं 2017 से जानता हूँ, मैंने आज तक कभी इसके मुंह से शायरियां नहीं सुनी है, और ये कुछ ज्यादा ही शायरी ऐसे चल रही है, बहुत ही अच्छी बात है। फिलहाल आज का ये एपिसोड हम यहीं पर खत्म करेंगे, और कचहरी थैंक यू सो मच, आपने बुलाया, इस काबिल समझा, मैं सोचता हूँ इस कटघरे के अंदर जो आके अपना इंटरव्यू देता है वो बहुत खुशकिस्मत इंसान है, वो आपकी इतनी प्यारी टीम से मिलता है, और आप लोग इतने माशाल्लाह बेहतरीन इंसान है ना, जिसका कोई जवाब नहीं है। मैं दिल से खुश हूँ, और आपने जितने सवाल पूछे, जायज सवाल पूछे, ठीक सवाल पूछे, सही सवाल पूछा, कोई भी गलत सवाल आपका नहीं था, मैं आपके हर सवाल की इज्जत करता हूँ, और मैं तहे दिल से कह के जाता हूँ कि ये शो हिट है। चलिए क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सोहेल, और आमिर सोहेल ने भी बहुत ज्यादा तरक्की की है इन पिछले 5 सालों में, आप सब भी इनको बखूबी देखते होंगे सोशल मीडिया पर। फिलहाल कचहरी वॉज पावर्ड बाई KS फर्नीचर हाउस, और अभी आमिर सोहेल ज्यादा शायरियां कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कोई दिल वाला मर्ज तो आप डॉक्टर या किसी को दिखा सकते हैं, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, यू कीप वॉचिंग द बकलोल टीवी।